अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिकिंग इनटू अनदर व्यू। तो फाइनली 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 2.5 सालों तक विदाउट गिल रहने का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया। तो कौन सा तीर मारा? ये 2.5 साल बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। बहुत से लोगों का मैंने दिल दुखाया, जिसके साथ भी खेलता था मुझे देखता था कि मैं तो गिल्ड में नहीं हूँ, तो इनवाइट करता था कि हमारे गिल्ड में आ जाओ। आजा 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 आजा। और मैं फिर घुमा फिरा के उसको टोपी करा देता था कि नहीं मुझे गिल्ड में रहना पसंद नहीं है। अब ऐसे लोगों में मेरा एक दोस्त भी था वीर गेमिंग, जिसकी गिल्ड, उसने भी 3-4 दफा मुझे इनवाइट किया। एक हफ्ते पहले उसने दोबारा अपने जुमले दोहराए कि आ जाओ, तो मैंने बोला कि आज तो ज्वाइन कर ही लेता हूँ। और गिल्ड ज्वाइन करने की दूसरी वजह ये भी है कि आजकल गिल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें मजा आता है और मुझे ये वाला मजा चाहिए था, लेकिन इस मजे के लिए मुझे गिल्ड ज्वाइन करना लाजमी था, तो बस मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम। खैर, अब गिल्ड थी नंबर 1 पे, सब प्लेयर्स के पास ये नंबर 1 वाला टैग था और मुझे भी ये चाहिए था, लेकिन इसके लिए मुझे गिल्ड वॉर खेलना। तो अगले दिन ही मैं बैठ गया खेलने। चलो तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबके नेम्स शो हो रहे हैं और हम लोग 20,000 की पॉइंट्स की लीड पर है। कसम से इतना मजे का मैच गया ना कि आप लोग बोलोगे वाओ। वैसे अगर आप लोग भी किसी गिल्ड में नहीं हो तो यार ज्वाइन कर लो, गिल्ड वॉर में बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि स्पेशल झंडे वाला इमोट, बाइक की स्किन। हाँ, ये बात तो है कि टॉप गिल्ड ज्वाइन करना इजी नहीं है, लेकिन मेरे लिए आसान है। आसान है क्योंकि मैं हूं तो छोटा दो। तो जहाज से चलांग मारने के बाद हम लोग मुर्गी के बच्चों की तरह बिखर गए, कोई इधर जा रहा है कोई उधर, सारे दर बदर हो गए। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि खजूर के गुठली की तरह स्क्रीन पर एक काली काली चीज क्या आ रही है, तो ये 14 प्रो मैक्स में एक इशू है। अब रिकॉर्डर का माइक ऑन करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो और फिर गेम में भी माइक ऑन करते हो, तब तब ये चीज आती है। आप लोग देखना आगे जब गेम में मेरा माइक ऑफ होगा तो ये चीज भी गायब हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लैंड की, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ बंदे भी उतरेंगे। मुझे मिल गए A&2 और पैराफिल, सामने से बंदा जा रहा था। फट गई। 178 का हेड देखकर मैंने सुराख पर एम लगाया और उसके अंदर से गोलियां बरसाकर उसको नॉक कर दिया। अब ये था मेरा दिमाग, लेकिन पीछे एक शमशेर तो अपने हाथों में डबल वेक्टर पकड़कर मेरे लिए तैयार किया था और इस तरीके से मरकर मैंने अपने गिल्ड का नाम रोशन कर लिया। फिर मैं शर्मीले निगाहों से नंबर बाय नंबर सबको स्पेक्टेट करने लगा, ये जानने के लिए किसके पास है टोकन। इसको देखकर दिल बाग बाग हो गया और इतने में गैबी जराए से मुझे रिवाइव मिल गया। मैं वापस आ गया। फिर मैं क्लॉक टावर पे उतर रखा, यहाँ पर एनिमीज आए ही नहीं थे, तो मैंने फुल लटर पटर लूट करी। शॉर्ट रेंज में MP40 मिल गई थी, लॉन्ग रेंज में और। ऐसी लूट मिलने के बाद बंदे को और क्या चाहिए होगा? नहीं, आपके पास ऐसी लूट हो तो फिर और क्या चाहिए। तो बस जब क्लॉक टावर से मेरा दिल और पेट दोनों भर गए तो मैंने फैक्ट्री की तरफ हिजरत कर ली। फिर उसके बाद पहुंची नौक। इस सफर के दौरान कोई भी माँ का लाडला सामने नहीं आया, तो इसलिए मजबूरन मैं मशीन पर चला गया सुपारी लेने, और साथ ही मैंने स्किल ब्लॉकर भी बाय कर लिया, जो कि आगे चलकर मैं ऐसी जगह पर यूज करूंगा कि आप लोग बोलोगे कमाल। अच्छा, अब ये चेक करें, पहले कोई मिल नहीं रहा था, जैसी बाउंड्री तो खड़पड़ू आ गया हाजिर लगवाने। बहुत ही मुनासिब मौके पर ग्लूअर लगा के मैंने खुद को सेव किया और उसको डाउन। तो मेरे इस नए सफर में ये बंदा मेरा पहला शिकार बन गया। भाई अब जो कोई भी, आप बहुत लकी हो क्योंकि मैंने ताजा ताजा गिल्ड ज्वाइन करी है, ये मेरी पहली वीडियो की गिल्ड के हवाले से, और उसमें सबसे पहला किल आपका नसीब हुआ है मुझे। मैच स्टार्ट करने से पहले मुझे ये उम्मीद थी कि लोग टूर्नामेंट की तरह खेलेंगे, पूरे पूरे स्क्वाड होंगे, लेकिन इस अकेले बंदे को मारकर मेरा ये वहम थोड़ा सा कच्चा हो गया। पर जब मैं इस बाउंटी वाले बंदे की तरफ जाने लगा और जिप लाइन से अपना आधा सफर तय किया, तो मेरा ये वहम हल्की आंच पर पक गया, क्योंकि ये पूरा स्क्वाड था। तो यहाँ पर मैं एक आंख से जिप लाइन को देख रहा था और एक आंख से इस लाल कबूतर को। हम दोनों एक दूसरे से दूर तो थे, लेकिन एक रफ्तार में दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे, जिस तरह फिल्मों में हीरो और विलन एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मैं फुल एक्शन में बैठ गया लोकेशन का पता लगाने के लिए। कोई दूरबीन में आ नहीं रहा था, लेकिन जब इस बंदे ने फायर दिया तो कोहराम मच गया। सबसे पहले तो इसको बहुत ही प्यार से मुलायम तरीके से नॉक कर दिया। जो इसको रिवाइव करने के लिए आ रहा था उसको भी रास्ते में काफी डैमेज दिया, ग्लूअल लगा, ग्लूअल फाड़ने लगा। जब ग्लूअल खत्म होती तो एम वो दूसरे बंदे पर चला जाता और इतने में नॉक बंदा रिवाइव हो जाता और मैं एक मतफे से उसकी फाड़ देता हूं। इसके अलावा माही जी को भी महामारी का शिकार बना देता हूँ। अब इनका ये वाला बंदा जज्बाती हो गया था, गुब्बारा फेंक के इसके कुत ऊपर ताला लगा दिया, ये हैरान और परेशान हो गया। मैंने इसको जख्मी किया, जब जवाबी कार्रवाई करने लगा तो मैं गुलागंडा बन गया, फिर भागने लगा और इसको जमीन की बल गिरा दिया। जो ही यहाँ से फारिग हुआ तो दूसरी तरफ अपना रुख कर दिया कि मैंने यहाँ पर दो बंदे नॉक किए थे। फिर पता चला कि वो दोनों बंदे अनोखे प्लेयर ने हड़प लिए, अब हम कुछ कर तो सकते नहीं है, तो बस इसको किस्मत का खेल समझकर स्वीकार करके सबर कर लिया और आगे मूव ऑन कर लिया। कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं हुआ। गुस्सा तो बहुत आया था लेकिन जो हो गया सो हो गया। बोलकर दिल को तसल्ली दे रहा था कि मेरी नजर पड़े एक और शख्स पर। उसके भागने के स्टाइल से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये है आखिरी बंदा। मैं फुल जोश खरोश से इसकी तरफ आगे बढ़ने लगा और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऊंचाई की वजह से वो यहाँ पर बच गया लेकिन कहाँ तक भागो के सना। बंदूक उठाए ब्रश कर दिया, देखा कि सोना एक्टिव हुए तो रिलैक्स हो गया और ऐन मौके पर इमोट दिखा दिया। यहाँ से जाते समय मैंने सोचा कि इस घर का भी जायजा ले लेता हूँ, परंतु यहाँ पर कोई प्राणी तो नहीं देखने को मिला लेकिन रेड आइकन देखा जिसका मतलब अवश्य यहाँ पर बंदे हो सकते हैं। तो मैं उनको तलाश करने लगा और पी की साइड से उन लोगों ने हल्ला बोल दिया। वो ग्लूवाल तोड़ने लगा और मैंने यहाँ से फुल टमाटर देकर उसकी खोपड़ी की हड्डियाँ तोड़ दी। पता चला कि ये तो वही बंदे हैं जिन्होंने बीमा शक्ति पर मेरा प्रोग्राम खराब किया था। तो मैं और भी गुस्सा हो गया, ग्लूअल लगाकर खुद को सेव किया और फिर अंदर जाने के बजाय ओपन में बैठकर सुपरा मेडिकेट लगाने लगा। वाह क्या लॉजिक है मेरा। एक को तो मैंने यहाँ से ही फिनिश कर दिया, अब दूसरा रिवाइव हो गया था पता नहीं कैसे, क्योंकि डिमिटर तो मुझे नजर नहीं आया था और इंजेक्शन उसके पास था नहीं। खैर मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना अगर देखा होता तो आराम से हेडशॉट मार सकता था मुझे। यहाँ पर मैं इसके करीब आया और इसको अगेन नॉक कर दिया। फिर मैं लूट करने बैठ गया, जरूरत का सारा अगलम शगलम उठा लिया और जब मैं यहाँ से निकलने वाला होता तब मुझे अचानक से डैमेज पड़ना शुरू हो जाता जो के सामने था बंदा। ये निकाली बंदूक कमर से दे दिया उसको फुल टमाटर। ग्लूअल लगाकर मैंने खुद को सेफ किया, मेडिकेट लगाने लगा, उसकी सोना एक्टिव थी वो नॉक हो गया। जैसे ही मेरी मेडिकेट लगी मैं चट्टा गिर लगाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, बट डिमिट्री की लहरें उसने ऑलरेडी छोड़ दी। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ गया कि अगर यहाँ से मैं आलू से छिलका उतार कर फेंकूं तो काम बन जाएगा, लेकिन उसने राइट की तरफ छलांग लगाई और मेरा किल चोरी हो गया। यहाँ पर हमने टॉप क्लास के बेवकूफों वाले हरकत की कि इस गैराज की छत पे आ गए और ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पर आया। आप लोगों में से भी शायद ही कोई लोग यहाँ पर आए होंगे। खैर यहाँ से आप लोग नजारे देख सकते हैं, जिन लोगों ने ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया था, मतलब कि नहीं देखा था कि इस गैराज की छत से व्यू कैसा आता है तो देख लो। तो हमारा जो बंदा जोन से आया था उसके पास बंदे थे, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि जब एनिमीज वहां से आएंगे तो मैं आराम से उनको यहाँ से जख्मी कर दूंगा। मैं इंतजार कर रहा था कि उसके बरअक्स नीचे से एक शूं करके निकल रहा था, मैंने उसको भी पैगाम पहुंचा दिया कि ऊपर तेरा पेओ कड़ा है। मैं इस तरफ मसरूफ हो गया था कि दूसरी तरफ हालात डेंजर हो गया, हमारा बंदा चपड़ी तो हो गया। तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, अगर दिमाग काम कर रहा होता तो मैं यहाँ पर ही उनका वेट करता। मैं निकल गया जोन की तरफ, छत पर ही लॉन्च पैड लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। अब ये सीन चेक करो यार, यहाँ पर मैंने इनको बोला कि ये लफड़ा तोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम बंदे लोग ही इस मैटर को सुलझा लेंगे। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। और इनको अपने जज्बात पर काबू रखने की हिदायत दे दी। तो मैं इंतजार कर रहा था, जो ही उसकी खोपड़ी देखी तो फाड़ के रख दी। फिर मैंने जोर के अंदर जाने का इरादा किया ये सोचकर कि बंदा तो नौक है, अब इसको रिवाइव मिलेगा। और वो लोग टेंशन में हो गए, सामने डाकुओं ने हमें घेर लिया है। एक लचकदार और मसालेदार जंग तो छिड़ गई थी, अब बस करना था कि एनिमीज की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी, जो करने के लिए मैं 2 सेकंड तक ग्लूवाल के पीछे खड़ा रहा लेकिन वो लोग जोन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर एक नॉक पड़ा था, मैंने नेट फेंककर उसको फिनिश करना चाहा लेकिन मेरे नेट फेंकने से पहले उसको लोरी सुना के सुला दिया गया था। जल्दी से लगा दी ग्लूवाल और मौत के कुएं में हाथ डालकर इसको गरेबान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब बस हमें था उस बंदे का इंतजार जिसने कर दिया था हमें लाचार। ना हम इस दलदल से बाहर निकल सकते थे और ना वो खुद निकल रहा था। मैंने जैसे ही सुपर मेडिकेट लगाई तो उसने एंट्री कर ली और वो भी बिल्कुल मेरे आगे, जिसको मैंने उस वक्त देखा नहीं था। चुपके चुपके से फॉर्मूला लगाकर आ रहा था और मैंने इसके साथ ही प्रैंक कर दिया। रिवाइव करते साथ साथ मैंने मेडिकेट लगाना भी शुरू कर दी। मेडिकेट लगाने के बाद भी मेरे जो एचपी कम हुई थी जोटा की वजह से, इसको फिनिश करने के बाद वो एचपी मुझे दोबारा मिल गई। और जब मैंने देखा कि जोन के अंदर तो इस पर दवाई का असर नहीं हो रहा है तो फौरन से लॉन्च पैड लगा दिया और इस जगह को गुड नाइट बोल दिया। जल्दबाजी में एक साथ 2 लॉन्च पैड लगा दिए थे। अबे भाई, अब यहाँ पे होते असल सीन। तो यहाँ पर लैंड करने का सबसे पहला मकसद था खुद को सेव करना। तो इस काम के लिए मैंने इस मोटे पत्थर को अपना निशाना बनाया हुआ था लेकिन यहाँ पर एक स्क्वाड के साथ मेरा सामना होता है जिसमें सारे बंदों ने आयरस कैरेक्टर लगाया हुआ होता है। सबसे पहले तो मुझ पर यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल किया गया, पत्थर के कवर में जाते जाते मुझे AWM का एक पटका लग गया। इनकी ये खतरनाक कार्रवाई देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक चांस है। तो पूरी तरीके से मरहम पट्टी करने के बाद मैंने हिम्मत करी और इनके और अपना रुख कर दिया। ग्लूअल लगाई, जब मैं इससे गुजरने वाला था तो ये देखो शोधे के बच्चों ने एक और आयरस मुझ में छोड़ दिया। अब भाई समझ नहीं आ रही थी कि करूँ तो करूँ क्या, पेड़ भी छोड़ा था, हम दोनों बहुत मुश्किल से खुद को कवर किया एंड चॉकलेट ये लोग अलग से फेंकने लगे। यहाँ पर मेरे दिल में ख्याल आया कि इनको इजहार करूँ कि अगर लेनी है तो एक ही बार मेरे लो, ऐसे आराम आराम से करके क्यों तड़पा रहे हो। और इस तरह से एक और बाबा लो भी आ गया। खैर मैं पेड़ के कवर में चला गया मेडिकेट लगाने और यहाँ से पूरी गेम चेंज होने वाली है। वो लोग फायर कर रहे थे तो मुझे पता था कि डायरेक्टली उनको हेड लग
ड्रैगिंग हो रही है, ऐसे दो बंदों को एक साथ लग गए। इसके बाद तो उन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। ओरियन लाकर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और यहाँ से गुब्बारा फेंक दिया। आखिरी बंदा बहुत मजे से खड़े होकर रिवाइव कर रहा था, उसको लगा था मैं अभी दूर हूँ। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर यहाँ से लॉन्च पे लाकर हम लोग ने उड़ान भरी इस नीली जमीन की तरह। बर्फीला इलाका था, हम लोग स्लिप नहीं हुए, वरना अगर स्लिप होते तो इस चमचमाते हुए फर्श पर कुदरती अंडों का ऑमलेट बन जाता। ब्रिज के नीचे से जाते वक्त मुझे आसान नजर आया कि बंदे ऊपर लड़ रहे, तो यहाँ पर मेरे जहन में खुराफाती आइडिया आया कि आलूओं की बरसात कर देता हूँ, एक नए किल तो मिले जाएगा। सबसे पहला आलू तो ऊंचाई की वजह से मिस हो गया, दूसरा अंदर बढ़ गया, तीसरा भी गया, चौथा भी गया, लेकिन फायदा एक से भी नहीं मिला क्योंकि बंदे काफी दूर थे और मेरे पटाखे 50 गज पीछे फूट रहे थे। मुझे भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा क्योंकि मेरा टाइम और दिमाग दोनों वेस्ट हो गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और यहाँ पर फिर से एक उम्मीद जाग उठी, इस दफा मैं कामयाब होऊंगा। और जैसे ही मैंने फेंका तो ग्लूवाल पे लगकर मेरे पास आ गया और मैंने खुद को बचा लिया। खैर यहाँ पे हमारा हो जाता है भूया। 10 PM की बात गिल्ड वार ऑफ हो जाता है और कैलकुलेशन हो जाती है, तो मैं 10 बजे की बात आया और नंबर 1 वाला टैग अपने प्रोफाइल पर चिपका दिया। तो आप लोग मेरी आईडी सर्च करो और बताओ कि टैग मेरे साथ कूल लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर मैं आ गया स्टोर में और जो टोकन मेरे पास थे उनसे स्पेशल झंडे वाला इमोट ले लिया। और यहाँ पर होता है हमारी वीडियो का इख्तिताम। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत।